हे एवरीवन, प्रिया है, वेलकम बैक टू शानदार गाइस। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डिफरेंट क्लच और हेयर स्टाइल्स बालों में कैसे अलग से लुक देते हैं। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट बटरफ्लाई क्लचर्स यूज़ कर रही हूँ जिनकी साइज़ बढ़ती जाएगी जैसे वीडियो बढ़ेगा वैसे। तो ये सबसे छोटा वाला क्लचर है जिसके लिए यहाँ पे थोड़े से बाल मैं ले रही हूँ। बाल किस तरीके से आपको लेने हैं वो आप देख लीजिएगा, उसके बाद आपको क्लचर प्लेस करना है। अभी आपको क्लचर के हिसाब से ही बाल का जो वॉल्यूम है वो लेना होता है, जिस वजह से जो बाल है वो अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्लचर छोटा है इस वजह से थोड़े से बाल, जैसे हम हेयर पफ के लिए बाल लेते हैं उतने ही बाल हमें लेने चाहिए। और यहाँ पे आप लुक देख सकते हो, बहुत ही घने बाल लगते हैं इससे, क्योंकि सिर्फ ऊपर वाला जो हेयर का सेक्शन है वो हमने टाई किया होता है। तो अगर आपके लेयर कट है, लेवल कट है, जो भी हेयर कट है, ये वाली स्टाइल बहुत अच्छी लगेगी जो हम हर डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। तो अब सेकंड जो क्लचर मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है ये बटरफ्लाई क्लचर, जो थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है फर्स्ट के कंपैरिजन में। इस वजह से यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा बाल हम लेने वाले हैं। बाल लेते समय आप देख सकते हो मैं किस तरीके से बाल ले रही हूँ। दोनों हाथों का यूज़ करके हमें दोनों साइड से बाल सेंटर प्लेस में होल्ड करने हैं, फिर जो क्लचर है वो टक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, क्लचर अगर आपका छोटा है और आप बाल बहुत ज़्यादा ले रहे हो तो क्लचर के अंदर बाल फिक्स नहीं होंगे और वो लूज़ लूज़ सा लगेगा। तो यहाँ पे क्लचर के हिसाब से आपको बाल लेने हैं। और ये भी है जो स्टाइल है अच्छी लग रही है। और अभी फ़िलहाल जो हो मैं अपने होम टाउन में हूँ गुड न्यूज़ की वजह से, और यहाँ पे कोई भी वीडियो रेडी नहीं था, इस वजह से ये वाला वीडियो मैंने शूट करके रखा था। तो मैंने सोचा कि ये चैनल पे डाल दूँ ताकि आपको यूज़फुल रहे। तो यहाँ पे ये जो क्लच है थोड़े से बड़े साइज़ का है, और यहाँ पे हेयर लेने की टेक्निक आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर स्लो मोशन डाला हुआ है। तो जो मिडल फिंगर्स होते हैं हमारे, फिंगर्स की मदद से हमने यहाँ पर सेंटर प्लेस में दोनों साइड से बाल लिए हैं। आप अच्छे से फिर से एक बार रिवाइंड करके देख सकते हो। ये जो टेक्निक होती है यही सही होती है क्लचर प्लेस करने की, तभी जाके आपकी क्लचर हेयर स्टाइल जो है वो अच्छे से दिखेगी, अट्रैक्टिव दिखेगी। और फिर हमें क्लचर प्लेस करना होता है। अगर आप यूं ही बाल लोगे दोनों साइड से तो उतना ज़्यादा खास नहीं लगेगा। वो जो टेक्निक मैंने आप हर क्लचर यूज़ कर टक करते समय यूज़ की है, फिंगर्स का अच्छे से सही से यूज़ करके मैंने सेंटर प्लेस में ये सेक्शन लिया हुआ है। और अगर आप कंघी करना चाहते हो क्लचर प्लेस करने के बाद, तो आपको क्लचर को अच्छे से होल्ड करना है फिर बाद में कंघी करनी है ताकि क्लचर लूज़ ना हो। तो ये है हेयर स्टाइल। फिर अब मैं यूज़ करूँगी ये वाला क्लचर, ये थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में, इस वजह से थोड़े से ज़्यादा हेयर हम इसके अंदर फिक्स कर सकते हैं। तो इस वजह से जो ईयर का लेवल है हमारा, वहाँ से दोनों साइड से बाल मैं सेंटर प्लेस में ला रही हूँ। बस साइड के बाल हमें सेंटर प्लेस में लाने हैं, जो सेंटर के बाल हैं वो तो वहीं पर रहेंगे और साइड के बाल उसके ऊपर हम ओवरलैप करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और समझने में वैसे कुछ बात नहीं, बहुत ही इजी हेयर स्टाइल्स है ये, एवरीडे हेयर स्टाइल्स है। तो छोटे छोटे टेक्निक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अच्छे से क्लचर आप हमें यहाँ पे फिक्स करना होता है। अभी आपको अगर थोड़ा सा पफ़ी चाहिए या फिर थोड़ा सा वॉल्यूमिनस चाहिए, तो क्लचर टक करने के बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ वो स्लाइड करना है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ बाउंस करना है, ताकि ये वाला जो क्राउन पोर्शन है वो चिपकू चिपकू ना लगे या फिर बहुत ही चपटा ना लगे। इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा बाउंस ही लग रहा है, जैसे कि हमने बैक कॉम किया है ऐसा लग रहा है ये वाला पोर्शन। तो क्लचर लगाने के बाद हमें क्लचर थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश करना है ताकि जो हेयर है हमारे वॉल्यूमनेस दिखे। जैसे कि अब तक आपने देखा छोटे से लेके बड़े तक का क्लचर मैंने यूज़ किया है, तो ये सबसे बड़ा वाला क्लचर है मेरे पास जो है वो, और ये भी बटरफ्लाई क्लचर है। और यहाँ पे ये वाला क्लचर बड़ा है इस वजह से इससे पहले हमने ईयर तक के हेयर लिए थे, अभी ईयर से थोड़ा सा नीचे के हेयर भी लेंगे क्योंकि ये क्लचर उतना हेयर ऑक्यूपाई करता है। अगर इससे भी बड़ा क्लचर आपके पास है तो आप और थोड़े से ज़्यादा हेयर इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ साइड के बाल मैंने इकट्ठा किए हैं सेंटर प्लेस में, जो सेंटर के बाल है वो वहीं के वहीं है, और बस साइड के बाल हमने सेंटर के जो हेयर है उसके उनके ऊपर ओवरलैप किया है, और फिर क्लचर हम अच्छे से फिक्स कर देंगे। अभी क्लचर फिक्स करते समय ना कभी कभी वो उल्टा हो जाता है या फिर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो हमें जो और एक मिरर होता है और एक मिरर लेके अच्छे से वो सेट करना है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा ये क्रॉस हो गया है, होता ही है हमेशा, बट हमें ध्यान देखिए वो स्ट्रेट कराना ही है, अदरवाइज़ वो बहुत ही अजीब सा दिखता है अगर टेढ़ा हुआ है। तो आप चाहे तो थोड़ा सा बाउंसी करने के लिए क्लचर ऊपर की तरफ पुश कर सकते हो या फिर बाल थोड़े से पुल आउट कर सकते हो ताकि थोड़ा सा वॉल्यूमनस हमारी हेयर स्टाइल दिखे।
गाइस ये था आज का वीडियो, अगर आपको यूज़फुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस करना, उससे आपको नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।